गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप मेरे चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, आज फिर से मैंने एक छोटी सी प्लांट्स की शॉपिंग कर डाली है, क्योंकि प्लांट्स तो जितने हों उतने ही कम लगते हैं। हालांकि मेरा किचन गार्डन और मेरी बालकनी पूरी तरह से फुल है प्लांट से, पर फिर भी मैं थोड़ी सी जगह कहीं ना कहीं निकाल ही लूँगी, क्योंकि मैं निकल रही थी रोड साइड नर्सरी पे, मुझे ये प्लांट्स दिखे और बहुत ही वाजिब रेट में मुझे ये जो डायंथस है, डबल वाला डायंथस, उसने मुझे बताया बिल्कुल नॉर्मल साइज से डबल फ्लावर है इसका, और बहुत प्यारे से लगे मुझे बड़े बड़े से डायंथस के फूल। तो मैं रोक नहीं पाई अम्मी को और मैंने ये ले डाले हैं। 25 रुपये पर प्लांट बहुत ही वाजिब सी रेट है, तो मैं ले ही आई, मन नहीं माना मेरा। तो बस मुख्य रूप से तो आज मैंने ये डायंथस की शॉपिंग की है, और कुछ प्लांट्स मैंने अपनी बालकनी में, जो क्योंकि बहुत छाया आती है तो वहाँ लगाने के लिए भी ख़रीदे हैं, छाया में जो चल जाएं। कुछ है ना, कलांचो भी है, कुछ बेगोनिया भी है, और ये देखिए आप कितना बड़ा साइज़ का इसका जो डायंथस का फ्लावर है, और कितना प्यारा शेड है इसका। ये मेरे पास वैसे भी नहीं था ये वाला शेड, तो पीच कलर और पिंक कलर का शेड है ये, और बिल्कुल डबल साइज़ जो नॉर्मल साइज़ से होता है वो फ्लावर है ये, और बहुत ही सुंदर लगे मुझे। तो मैं इनका कहीं पे भी थोड़ा बहुत जुगाड़ करके जगह निकाल ही लूँगी मैं इनको लगाने के लिए, तो मैंने तुरंत परचेज़ कर लिए। ये देखिए, ब्लड रेड कलर का एक नॉर्मल वाला डायंथस है, पर ये मेरे पास था नहीं इसलिए मैं इसको लेके आई, और बड़े ही हेल्दी प्लांट्स हैं ये देख के मैं जो लेके आई हूँ, तो इसलिए भी मेरा मन किया कि क्यों ना इनको ले लिया जाए। ये देखिए, एक डार्क पिंक कलर का, बिल्कुल बिग साइज़ वाले फ्लावर्स हैं, तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा सा लगा, क्योंकि इतने बड़े डायंथस के फ्लावर्स मैंने कभी नहीं लगाए और मैंने देखे भी नहीं है इतने बिग साइज़ में, तो मुझे लगा ये तो होने ही चाहिए मेरे पास, इसलिए बस मैंने ले ही लिए चलते चलते। और ये देखिए, एक ये पिंक कलर में, मतलब इनके साइज़ ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया। डायंथस मेरे पास बहुत सारा है, मैंने काफ़ी लगाया हुआ है, बीज से लगाया हुआ है, उगाया हुआ है, तो पर है ना, ये इनके साइज़ देख के मेरी बहुत इच्छा हो गई कि नहीं नहीं ले ही लेती हूँ, तो फिर बस ले आई मैं। और प्लांट लवर्स का तो आपको पता ही है, बस दिख जाएँ अच्छे प्लांट्स, सर्दियों में तो फूलों वाले प्लांट्स दिख जाते हैं, तो वैसे ही बहुत मन ललचा जाता है। तो इस तरह से ये 4-5 शेड में लेके आई हूँ, और ये वाइट वाला भी देखो कितने बड़े सारे फ्लावर्स हैं। और एक ये में मेरे पास लाइट ऑरेंज में ये सेलोसिया का नहीं था, तो मैंने क्यों ना सोचा मैंने कहा इसको भी ले चलती हूँ अपने कलेक्शन में शामिल कर लूँगी। काफ़ी अच्छे कॉक्सकॉम सेलोसिया हैं मेरे पास इस टाइम जो ब्लूम कर रहे हैं, तो मैं एक ये ले आई। और ये देखिए, गुलदाउदी, हालांकि मैंने कुछ साल बहुत ज़्यादा लगाई थी तो फिर थोड़ी सी बोरियत सी होने लग जाती है, तो मैंने 1-2 साल बीच में गैप दे दिया, और पर इस बार मैं फिर से 4-5 गुलदाउदी के प्लांट्स लेके आई हूँ। तो एक ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे क्रीम कलर का जो बिग वाला फ्लावर होता है ये मुझे अच्छा लगता है, तो एक ये मैं भी लेके आई हूँ अभी। 30 रुपये का ये मुझे मिला है, सस्ते ही थे क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं प्लांट्स, तो रेट भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, तो बस मैंने एक ये भी लिया है। गुलदाउदी मैं बचा नहीं पाती हूँ गर्मियों में, क्योंकि मेरे छत पर कहीं पर भी जरा सी भी छाया नहीं आती, तो मैं बस ख़रीद ही लेती हूँ 3-4 प्लांट्स। और ये देखिए, ये स्टॉक के 3 प्लांट्स मैंने लिए, स्टॉक इस बार मेरे पास 20 से नहीं लगा है, तो मैंने ये मैंने एक ट्रे तो कम से कम लगाई जाए, तो मैंने 3 प्लांट्स ये ख़रीदे हैं, और अभी इनमें फ्लावरिंग होनी शुरू नहीं हुई है, पर अच्छे हेल्दी से प्लांट लगे मुझे। तो मुझे दिख तो रहा है ऊपर से कि एक पिंक कलर का है, एक क्रीम कलर का है, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं, और ये मुझे 20 रुपये पर प्लांट के हिसाब से मिला है। और कुछ मैंने अपनी बालकनी में लगाने के लिए लिए नीचे, जो कि मैं आपको अपनी बालकनी का टूर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें दिखाऊंगी। और ये देखिए, पिछली बार जो मैं गुलदाउदी लेके आई थी, मैंने एक ही टब में लगा दी थी तीनों कलर, और कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा बैठा है तीनों का। और इसके अलावा ये देखिए आप, मेरा सेलोसिया कॉक्सकॉम का जो है पूरा कलेक्शन है, और बहुत ही प्यारे आए हुए हैं इस वक्त कॉक्सकॉम भी मेरे पास। तो बस आज मैंने ये छोटी सी शॉपिंग की थी। नीचे आपको मैं एक ख़ास पेड़ ज़रूर दिखाऊंगी कल, उस वो बोल रहा था इसका नाम बिगाम्बर है,
तो देखेंगे हम। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।